ये मैटरनल डेथ है क्या? जब हम मैटरनल डेथ की बात करते हैं या मैटरनल मोर्टैलिटी की बात करते हैं तो उसमें वो सारी अमवात शामिल हैं जो या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान जो 9 महीने का टाइम पीरियड है, या वो डेथ जो कि बच्चे की पैदाइश के दौरान। मैटरनल मोर्टैलिटी रेशो है, एक मैटरनल मोर्टैलिटी रेट है, इस पे क्या फ़र्क है दोनों? क्योंकि रेशियो को आप देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है, बट वो जो यूनिट है उनकी सेम होती है, जबकि रेट जो होता है वो कंपैरिजन नंबर है बट यूनिट डिफरेंट हो सकती है। ख्वातीन ऐसी होती हैं जो कि इलीगल प्रेगनेंसी होती हैं, यानी कि दे आर नॉट मैरिड लेकिन हो जाती हैं, वो ऐसे अताई डॉक्टर के पास जाते हैं जो उनको ऐसी चीज़ें देते हैं खाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ्स ऑफ द। बिल्कुल, ये अनसेफ एबॉर्शन कहलाता है, क्योंकि हमारे 50% डिलीवरीज जो होती है वो देहातों में होती हैं, वहाँ तो अनहाइजेनिक या हाइजेनिक की इतना फ़र्क नहीं महसूस करते लोग, ना मिडवाइफ महसूस करती। इसका मतलब ये है कि इसको बेहतर तरीके से या तो इंस्ट्रूमेंट्स की किट्स जो है मैं समझता हूँ कि देनी चाहिए मिडवाइफ। इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसमें सेफ डिलीवरी किट्स जो दाइस को प्रोवाइड की गई थी। कुछ लोगों को बहुत जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्या वो चांसेस प्रेगनेंसी फौरी जल्दी बढ़ जाते हैं? और सेकंडली कि ऐसे जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, डू यू थिंक इट इज हेल्दी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन का टाइम पीरियड होता है ना 42 डेज का, इसमें एक डॉक्टर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना खातून को कि फैमिली प्लानिंग और जो बर्थ स्पेसिंग उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देहाती माओं को एक प्रॉब्लम आता है कि वो तो क्लिनिक भी नहीं जा सकती, वेल बेसिक हेल्थ यूनिट भी नहीं जा सकती। मेरी हमेशा से सजेशन होती है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है उसमें मेल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में आपका होस्ट अब्दुल बासित खान हाजिर खिदमत है। आज मेरे साथ एक जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं और ख़ास तौर पे पब्लिक हेल्थ में PhD हैं, MBBS भी हैं, पॉपुलेशन साइंसेज में भी माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, मतलब कि कोई ऐसी डिग्री है नहीं जो इनसे बची हो। उसके साथ साथ पॉपुलेशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और नहीं जाने कौन कौन से ख्वातीन के जो सब्जेक्ट हैं सब पर माशाल्लाह उनका मुकम्मल अबूर हासिल है। मेरी मुराद है डॉक्टर रुबीना, वेलकम टू शो जी। थैंक यू सो मच बादशाह साहब। डॉक्टर साहब, जो आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, दिस इज़ अ बर्निंग इशू ऑफ पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हालांकि इसका ताल्लुक तो MDGs 4, 5, 6 से है, लेकिन जो आज हमारी हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में बच्चों के मरने की शरह, ख्वातीन की जच्चगी के दौरान मरने की शरह बहुत ज़्यादा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा, तो इस पर किस तरह कंट्रोल किया जाए? इस सिलसिले में बड़े डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे भी लॉन्च होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, NGOs काम कर रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। मैंने आज आपसे सिर्फ ये पूछना है कि ये आखिर जो क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ जो ख्वातीन हैं उनके मरने की शरह जो है, यानी 186 ख्वातीन हमारी 1 लाख में से हर साल मौत हो जाती। अब ये भी मुझे आई डाउट के मुझे डाटा भी सही है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, अंडर रिपोर्टिंग भी होती है। इसी तरह बच्चों की मरने की शरह कहते हैं 56 out of 1000 बच्चे, वी आर 18th इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। तो चूंकि आप माशाल्लाह MBBS भी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, एक तो ये बताइए कि ये जो मैटरनल डेथ्स है, जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि इसमें जच्चगी के दौरान यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ख्वातीन मरती हैं, या कोई जो भी ख्वातीन माँ मरती है तो वो भी इसमें शामिल होती है, इसके बारे में मैटरनल डेथ है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैटरनल डेथ की जो डेफिनेशन है लोग उसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। जब हम मैटरनल डेथ की बात करते हैं या मैटरनल मोर्टैलिटी की बात करते हैं तो उसमें वो सारी अमवात शामिल हैं जो या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान जो 9 महीने का टाइम पीरियड है उस दौरान हुई है, या वो डेथ जो कि बच्चे की पैदाइश के दौरान हुई है, और इसके साथ साथ वो सारी डेथ्स जो कि जो हमें हम कहते हैं ना पोस्टमार्टम पीरियड, जिसे छिले का टाइम पीरियड कहते हैं, 42 डेज आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो वो जो सारा टाइम पीरियड शामिल है यानी कि 9 महीने प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के दौरान और
42 डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये सारा जो टाइम पीरियड है इस दौरान जो भी डेथ होती है उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में शामिल करते हैं। लेकिन वो डेथ वो होनी चाहिए जो कि या तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं उसकी वजह से हैं, या प्रेगनेंसी पहले कोई बीमारी है और उसकी प्रेगनेंसी की वजह से वो बढ़ गई है और उसकी वजह से जो डेथ्स होती हैं तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में शुमार करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी डेथ हो जाती है जो हुई तो प्रेगनेंसी के दौरान है लेकिन वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई है, स्टेज से गिरी है मदर और उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसको मैटरनल डेथ में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी डेथ जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से हो या किसी ऐसी रीज़न की वजह से होती है जिसमें प्रेगनेंसी का कोई अमल दखल नहीं था तो उसको हम मैटरनल डेथ काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए मैटरनल मोर्टालिटी को मेजर करते हुए हमें उसकी डेफिनेशन पे गौर करना होता है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस टाइम पर हुई है, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉज की वजह से हुई है, चाहे वो डायरेक्ट कॉज है या इनडायरेक्ट कॉज है, तो हम उसको मैटरनल डेथ काउंट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, बिल्कुल इस पर क्या फ़र्क है दोनों में? ये हमारे स्टूडेंट्स भी सम टाइम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की तो वो रेट की बात कर रहे होते हैं। अच्छा इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी डिफरेंस तो इन दिस सेंस, पहले तो रेट और रेशियो में इन जनरल डिफरेंस है क्योंकि रेशियो को आप देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है बट वो जो यूनिट है उनकी सेम होती है, जबकि रेट जो होता है वो कंपैरिजन नंबर है बट यूनिट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऊपर सबसे ऊपर आ गया कि जी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द वुमन, नीचे जो आ गया दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ डेथ्स ही हम देख रहे हैं, नीचे लाइव आएगा या नीचे वो आएगा, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो हम देख रहे हैं लाइव बर्थ्स में, लाइव बर्थ्स में, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमन, एग्जैक्टली हम उसको ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए रेट को जब हम काउंट कर रहे हैं, एमएमआर की बात कर रहे हैं, तो वो डेथ्स के साथ साथ वो फर्टिलिटी लेवल को भी बता रहा है, लेकिन जब हम एमएमआर यानी रेशियो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ओनली डेथ्स की बात कर रहे हैं। सही। सो दिस इज़ द रीज़न कि एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो वो डेथ पे ज़्यादा फोकस करता है, तो हम मैटरनल मोर्टेलिटी को मेजर करने के लिए रेशियो को ज़्यादा करते हैं। ठीक हो, ठीक। अच्छा एक जो देखिए एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहबा के जो हमारे यहाँ ख्वातीन जो होती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक़्त से उनको ज़ाहिर है उनको जो उनका जांचने का पैमाना कि उनकी सेहत का पैमाना कैसे है, तो वो जब तक के बर्थ ऑफ द चाइल्ड होता है तो उस वक़्त तक वो उसको कुछ ख़ास तौर पे तदाबीर करनी चाहिए। नॉर्मली एंटीनेटल जो से कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं, एक पोस्ट नेटल होती हैं, तो ये जो दोनों पीरियड जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर पहले पीरियड में अगर आप उसको सही तरीके से ख्याल नहीं करते या ख्वातीन जब पढ़ी लिखी नहीं है उनको अवेयरनेस नहीं है तो अल्टीमेटली फिर वो ख्वातीन के मरने की शरह भी बाद में ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए तीन टाइम पीरियड हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो हम प्री नेटल का जो टाइम पीरियड है वो है 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है, हमल के दौरान को पूरा टाइम पीरियड। अब एंटीनेटल केयर, एक तो हमारी माओं को अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 50% ऑफ द वुमेन, यानी हमारे एंटीनेटल केयर की शरह तो बहुत बढ़ गई हुई है, बहुत सारी खवातीन एंटीनेटल केयर लेना शुरू हो गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टाइमिंग कब थी, क्या पहले ट्राइमेस्टर में यानी शुरू के 3 महीने हैं, फिर बीच के 3 महीने हैं, फिर आखिर के 3 महीने हैं जिसको हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो अब बहुत सारी खवातीन हमारे यहाँ 50% खवातीन ऐसी हैं कि जो कि एंटीनेटल केयर तो ले रही हैं लेकिन वो आखिरी जो 3 महीने में जाके ले रही हैं यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में ले रही हैं। अच्छा। और सिर्फ हमारे पास 50% यानी हाफ ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन जो कि प्रेगनेंट होती हैं वो पहले या दूसरे ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल केयर लेती हैं, क्योंकि देखें एंटीनेटल केयर का पर्पस क्या है, इसका मकसद यही है ना कि पहले से अगर खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने जा रही हैं तो उनको पहले से कंट्रोल किया जा सके, उसकी ट्रीटमेंट की जा सके, बच्चे की हेल्थ किस तरह ग्रो हो रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसको जाँचा जा सके। लेकिन अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी तो इसका मतलब है बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस पहले ही फाइंड आउट करनी चाहिए थी वो तो वो टाइम गुजर चुका होगा। सही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमिंग किस ट्राइमेस्टर में जो है केयर लेना शुरू हुए,
तो इस वजह से बहुत सारी हमारी डेथ्स अभी हैं कि ख्वातीन ले तो रही हैं एंटीनेटल केयर, लेकिन बहुत आखिर में आ रही हैं, जब तक वो जो कंट्रोल करना उस डिज़ीज़ को, उसको प्रिवेंट करना बहुत टाइम गुजर चुका होता है। और दूसरी ये वजह है कि एटलीस्ट जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 4 से ज़्यादा विजिट्स होने चाहिए। अगर 4 से कम विजिट्स होते हैं 9 महीने के दौरान तो वो भी इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ द टाइम्स जो खातून डॉक्टर के पास विजिट करती है नंबर्स भी बहुत काउंट करते हैं, और टाइमिंग किस टाइम पे जा रही है वो। तो हमारे यहाँ एंटीनेटल केयर पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसकी टाइमिंग अभी डिलेड है, और बहुत सी ख्वातीन को नहीं पता कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और लास्ट में जाएंगी तो क्या सिग्निफिकेंस होगी उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो एक हमारे यहाँ ख्वातीन के होते हैं, सतमाए बच्चे होते हैं, या फिर कहते हैं कुछ प्री टर्म बेबीज़ आ जाती हैं, प्री मेच्योर हो जाती हैं डेथ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ख्वातीन को तो नहीं पता होता कि ये ऐसे चीज़ होने जा रही है। क्या किसी खातून को इससे पहले कुछ अवेयरनेस होती है, या डॉक्टर थ्रू दी अल्ट्रासाउंड बता सकता है कि जी आपका बच्चा प्री मेच्योर हो सकता है या प्री टर्म हो सकता है, या क्योंकि नेचुरली अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है तो बाद में जैसे आपने पता पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो जाता है उसके अंदर आके, और वो पीरियड्स क्रिटिकल होते हैं नॉर्मली, कोई कितने 35 वीक का होता है, कितने का होता है जो उसमें पीरियड होता है? लेकिन टोटल 40 वीक्स होते हैं हमारे, 40 वीक्स होते हैं, 40 वीक्स होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो शुरू के ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी 3 महीने हैं जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट होनी है, डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होने हैं, और अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी खुदा ना खास्ता हो जाती है बच्चे में, तो पहले ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई हुई है कि आप बहुत आराम से एक डॉक्टर जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, और इस सिचुएशन में हमारे रिलीजन में भी इसको अलाउ किया गया है कि इस सिचुएशन में वो अबॉर्शन करवाई जा सकती है। लेकिन अगर एक खातून है जिसको एंटीनेटल केयर उसने बहुत लेट लेना शुरू की है और उसके अल्ट्रासाउंड्स नहीं हुए, तो इसका मतलब है उसको नहीं पता बच्चे की ग्रोथ किस तरह चल रही है और या उसको क्या बीमारी चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप, हमारी जो मेटर्नल मॉर्टेलिटीज़ होती हैं अराउंड 40% डेथ्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ जी, जब मैं सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से, क्योंकि मैंने MBBS किया है और JPMC में मैंने एक साल के लिए ट्रेनिंग की थी और गायनी में, अब वहाँ पे बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसी ख़वातीन आती थी अंदरून सिंध से जो बहुत फिट्स पड़ रहे हैं, और अच्छा लोगों का ख्याल होता था इन पे जिन आ गए हैं, किसी ने जादू कर दिया है भाई। एक्चुअली तो उनका ये होता था कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है बहुत एक हाई लेवल पे चला जाता है, तो पहले तो एक प्री एक्लेम्सिया है, और जब बहुत हाई हो जाता है तो वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को स्पेशली ब्रेन को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, जो जिसकी वजह से उनको कन्वर्जन यानी उनको फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजह से। लेकिन लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अब खातून को खुद भी नहीं पता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो इस सिचुएशन में जब डॉक्टर के पास आती है, बहुत दफ़ा होता है बच्चे को बचाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एंटीनेटल केयर की इंपॉर्टेंस यही है कि ख्वातीन को पता हो कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने जा रही है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, और हमारे यहाँ बहुत सारी जो एंटीनेटल केयर तो फिर भी बहुत बेहतर हो गई है, और लेकिन अभी भी जब मैं देहाती इलाकों की बात करती हूँ तो वहाँ पे ख्वातीन को नहीं पता कि अगर उन्होंने थर्ड ट्राइमेस्टर में जा रही हैं तो उसको बहुत सारी बीमारियाँ नहीं वो डिटेक्ट हो सकी हैं। फिर हमारे यहाँ ये भी उनको नहीं पता कि होम डिलीवरीज या अनस्किल्ड जो बर्थ अटेंडेंट्स हैं जिनको हम दाइस कहते हैं, तो हमारी जो दाइस हैं उन्होंने विद द प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से सीखा है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरह जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर क्या होती है। ठीक है, और फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं तो रेफर कहाँ पे करना है, कहाँ करना, या अगर पोस्टपार्टम हेमरेज के केसेस डेवलप हो जाएं तो उनको कैसे उस टाइम पे कंट्रोल करना है और आगे कहाँ पे रेफर और किस तरह करना है, ये सारी क्योंकि इनको नॉलेज नहीं होती। क्योंकि आपको पता है हमारी अभी भी बहुत सारी अमवात जो माओं में है उसमें 43% रीज़न जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है। पोस्टपार्टम हेमरेज ये कि डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद
जो ब्लीडिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, और जो एनीमिया की होती है तो उनको तो और ज्यादा हो जाती है। देखिए नॉर्मल जो ब्लड नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml ब्लड लॉस होता ही होता है, लेकिन अगर वो 500 ml से ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है कि हेमरेज है, ये मतलब वो डेंजरस हो सकता है, उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, समटाइम ये भी होता है कि इसी जगह से डिलीवरी कराइए कि प्लेसेंटा का कुछ छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट भी अगर यूट्रस के अंदर रह जाए तो वो ब्लीडिंग क्रिएट करता है। अब अगर वो टाइमली टाइम पे डॉक्टर के पास चली जाती है और उसकी यूट्रस को क्लीन कर दिया जाता है तो वो हम हेमरेज को बचा सकते हैं, उसको मजीद ख़राब होने से उसकी कंडीशन को बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो घर पे ही रहती है, किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करती है, तो वो फिर वो डेंजरस हो जाता That can be fatal. और अभी भी हमारे यहाँ जो पोस्टपार्टम केयर है वो बहुत कम है। गाँव में तो जस्ट 30% मदर्स हैं जो कि डिलीवरी के बाद किसी डॉक्टर के पास जाती हैं या चेकअप के लिए जा रही होती हैं, वो तो बहुत ही कम है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि जो अभी बात कर रही थी कि अबॉर्शन एक है, अब ये कई मुल्कों में लीगलाइज है, कहीं इलीगल है, जाहिर है इन चीज़ों में। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ ख्वातीन ऐसी होती हैं जो कि इलीगल प्रेगनेंसी होती हैं, यानी कि दे आर नॉट मैरिड लेकिन हो जाती हैं, वो ऐसे अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं जो उनको ऐसी चीज़ें देते हैं खाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ्स ऑफ द बिल्कुल ये अनसेफ अबॉर्शन कहलाता है। अनसेफ अबॉर्शन और अनसेफ अबॉर्शन जो है हमारे यहाँ अच्छा अंडर द टेबल काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी मैरिज नहीं है। बहुत सारी मेरे पास ख़वातीन आती थी और वो कहती थी कि भाई डिलीवरी वो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी हो चुकी है बट हम ये बच्चा नहीं चाहते बिकॉज के ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं या सेहत ऐसी है खातून की, तो उस कंडीशन में फिर वो चाहती हैं कि जी उनकी अबॉर्शन करवा दी या उनको उस लोग की कॉम्प्लिकेशन भी डिवेल्प हो जाती है तो चाहते हैं कि बच्चा रिटेन नहीं करना चाहते। बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ऐसे किसी डॉक्टर से करवाती हैं जिसमें उसको ट्रेनिंग जिसको ट्रेनिंग नहीं है या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसको ट्रेनिंग नहीं है या डाइक से करवाती हैं या वो ट्रेन है बट जो जिस एनवायरनमेंट में की जा रही है वो अनसेफ है, यानी हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन नहीं किया गया, तो इन दोनों कंडीशन में ये अनसेफ अबॉर्शन कहलाएगी। और बहुत सारी अमवात की जो एक रीज़न है वो हमारा जहाँ पे डिलीवरी हो रही है या कोई भी प्रोसीजर किया गया है उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है अगर वो बेहतर नहीं है तो ये इन्फेक्शन का बाइस बन जाता है जो सेप्सिस हो जाता है बाद में, बहुत सारी डेथ सेप्सिस की, क्योंकि हमारा नंबर वन रीज़न जो है वो पोस्टपार्टम हैमरेज है, सेकंड नंबर सेप्सिस है, सेप्सिस की वजह से कॉज ऑफ मोर्टेलिटी हमारी वो क्या होता है डॉक्टर साहब सेप्सिस यही है ना कि कहीं या तो डिलीवरी ऐसी जगह पे हुई है जो कि अनहाइजीनिक है या जो इंस्ट्रूमेंट्स अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक वो स्टरलाइज नहीं थे तो उस डिलीवरी के दौरान वो इस्तेमाल हुए हैं, तो उससे ये होगा कि बॉडी में इन्फेक्शन तो शामिल हो जाएगा, ब्लड में ब्लड से वो इन्फेक्शन सर्कुलेट होगा दूसरे ऑर्गन्स में जाएगा, और सेप्सिस उस वक्त कहलाता है जब वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को फॉर एग्जांपल किडनीज को इन्वॉल्व कर लेता है, हार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन्स जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और वैसे भी आपको जानते हैं कि हमारे 50% डिलीवरीज जो होती हैं वो देहातों में होती हैं और देहातों में नेचुरली एक अनस्किल्ड या मिडवाइफ्स जो होती हैं, अब जैसे आपने कहा कि अनहाइजेनिक है तो वहाँ तो अनहाइजेनिक या हाइजेनिक की इतना फ़र्क नहीं महसूस करते लोग, ना मिडवाइफ महसूस करती, इसका मतलब ये है कि इसको बेहतर तरीके से या तो इंस्ट्रूमेंट्स की किट्स जो है मैं समझता हूँ कि देनी चाहिए मिडवाइफ्स को, वहाँ फ्री बांटनी चाहिए जी बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसमें सेफ डिलीवरी किट्स जो दाइस को प्रोवाइड की गई थी कि देखें क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इट्स नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कर सके या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हों, तो हम दाइयों को ये नहीं कर सकते कि उसको हम हेल्थ केयर प्रोविजन से अलग कर दें, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं उनको ट्रेन करें, उनको इसमें ट्रेनिंग दें कि उन्होंने ये इस तरह के जो केसेस हैं उनको मैनेज कैसे करना है, कैसे रेफरल करना है या इन कंडीशंस को होने से कैसे बचाना है, फिर ये जो सेफ डिलीवरी किट्स हैं वो उनको प्रोवाइड की क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज करें, या जिन खवातीन की वो डिलीवरी कर रही होती है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, उन्होंने जस्ट 1000 लेना है और ये केस कर देना है, तो अब उस उनके पास जब ये सेफ डिलीवरी किट्स अवेलेबल होंगी जो कि बहुत सारे NGOs हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड की गई हैं दाइस को, तो उससे बहुत कम हो गई हैं हमारी इस तरह की अमवात जो कि सेप्सिस की वजह से हो रही हैं। और दूसरा एक हमारे देहातों में भी और शहरों में भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ये जो हाइपरटेंशन का केसेस बहुत आना शुरू हो गए हैं स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वैसे ओवरऑल लोगों को बीमारियां होती हैं बट अब हमारे 29% जो डेथ्स हैं
वो बिकॉज ऑफ दिस एक्लम्सिया, एक्लम्सिया हम वो कंडीशन कहते हैं जब वैसे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बट बिकॉज ऑफ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई जाता है। जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत दफ़ा अगर वो एंटीनेटल चेकअप नहीं करा रही उसको पता नहीं चलता। अच्छा डॉक्टर साहब जो एक और भी एक बड़ा मसला अहम होता है उसमें ये होता है कि जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है और जिस तरह आपने कहा कि 42 डेज आपको वेट करना पड़ता है और वो बैक टू नॉर्मलसी में जैसे प्रेगनेंसी से पहले वाली पोजीशन में औरत आ जाती है, तो आप समझते हैं कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्या वो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी फौरी जल्दी बढ़ जाते हैं? और सेकेंडली कि ऐसे जब बच्चे पैदा हो जाते हैं डू यू थिंक इट इज़ हेल्दी चिल्ड्रन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो ये चिल्ले का टाइम पीरियड होता है ना 42 डेज का, इसमें एक डॉक्टर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना खातून को कि फैमिली प्लानिंग और जो बर्थ स्पेसिंग उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी खवातीन समझती हैं कि शायद अभी वो टाइम नहीं आया और कितने अरसे के बाद उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि दोबारा उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो बहुत सारी कंडीशन में तो ये जो चिल्ले का टाइम पीरियड गुजरने के बाद चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही। तो अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है बर्थ स्पेसिंग की, और दूसरी जो हमारे यहाँ कल्चर आता जा रहा है ना कि हमारी माएँ जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही अपने बच्चे को, तो सबसे पहले तो माओं को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, यानी कि उन्होंने बच्चे को किसी किस्म की कोई गुट्टी शहद या कुछ भी नहीं देना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध देना है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे माँ आपके अपने लिए भी हैं और बच्चे के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, तो बच्चे को बिल्कुल भी जो है वो जो पाउडर मिल्क पे या बॉटल फीड पे नहीं डालना है। तो ये इटसेल्फ जो है एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा रही है। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ नई नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज कि एक हेल्दी स्पेसिंग होनी चाहिए 2 प्रेगनेंसीज के दौरान, ताकि माँ जो है फोकस कर सके अपने बच्चे पे, उसको फुल टाइम दे सके, उसकी अपनी बॉडी कि जो कमी है वो और या कोई डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारी 70% माएँ तो एनीमिया का शिकार हैं और अगर वो यके बाद दीगरे नेक्स्ट प्रेगनेंसीज लेती जाती हैं तो वो एनीमिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो क्या ऐसे बच्चे भी फिर स्टंटेड भी हो सकते हैं या अंडर नरिश हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही है, एक तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग की हम बॉटल फीड करा रहे हैं अपने बच्चे को, वहीं से मेल न्यूट्रिशन के केसेस बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं, फिर माँ जो है अगर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसकी तवज्जो भी बच्चे पे इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और दूसरा ये है कि हमारे जो माओं की नॉलेज होना, उनको पता होना कि हमारे जो अंडर 5 चिल्ड्रन है या छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें अमवाद की जो बहुत बड़ी वजह है वो है डायरिया गर्मियों के सीज़न में और नमोनिया सर्दियों के सीज़न में। अब बच्चे को नमोनिया से कैसे बचाना है और डायरिया से कैसे बचाना है, खुदा ना खास्ता डायरिया बच्चे को हो जाता है, को किस टाइम पे डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डेंजरस साइंस क्या हैं नमोनिया के या डायरिया के, तो ये सारी हमारी माओं को इसमें इंफॉर्मेशन में अभी भी, स्पेशली जब देहातों की मैं बात करती हूँ, कमी है, तो इसमें बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिसेफ के तवज्जो से चला था जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वीक कहलाता है। 1 साल में 2 दफ़ा ये प्रोग्राम 2 हफ्ते चलाया जाता है, जब गर्मियों का सीज़न आता है तो पूरे 1 हफ्ते में दही इलाकों में जाके माओं को बताया जाता है कि डायरिया के बारे में कैसे बचाव करना है, हाइजीन और सैनिटेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी बातें। हम चूँकि इस पर मैटरनल जो डेथ्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें ये भी मुझे काइंडली बताइए कि एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिससे कहते हैं कि जो देहाती माओं को एक प्रॉब्लम आता है कि वो तो क्लिनिक भी नहीं जा सकती, वेल बेसिक हेल्थ यूनिट भी नहीं जा सकती आके, और वो जो हमारे यहाँ जो सोशल टैबूज कह लें या रवायात कुछ ऐसी हैं कि हमारे यहाँ जो ऐसी सोसाइटी है जहाँ मर्द जो होता है औरत का अकेला बाहर जाना पसंद नहीं करता, वो ऐसे यूनिट्स में भेजना पसंद नहीं करता, तो अक्सर ख्वातीन जो होती हैं वो लाइलम रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया, ग्रे एरिया है जिस पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक वजह है कि यहाँ तो वुमन की एम्पावरमेंट भी नहीं होती, उनकी अवेयरनेस ही होती, जिसके नतीजे में फिर ऐसी ख्वातीन जो होती हैं बाद में जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो नेचुरली उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें यह कि हम मेरी हमेशा से सजेशन होती है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है उसमें मेल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है।
हम जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आप देख लें उठा के, उसमें खातून को फोकस किया गया है। ठीक है, सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्वॉल्वमेंट करनी है, वो खातून को करनी है। एक तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, यानी हमारी जो सास हैं, मदर इन लॉज हैं, उनको इन्वॉल्व करना, फादर इन लॉ को इन्वॉल्व करना, घर के दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना, और स्पेशली हस्बैंड्स को इन्वॉल्व करना इस सारे प्रोसेस में, या अवेयरनेस देना उसमें। मेनली इन लोगों को भी सारे एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए। अभी हमने एक रिसर्च की थी, और उसमें उस कम्युनिटी से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप वीकेंड पे आएँ, ताकि आप हमारे मर्दों से भी बात कर सकें, उनको समझा सकें कि माँ और सेहत की, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको भी दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि आया क्या क्या मसाइल हैं ख्वातीन को, और किस किन वजूहात के बिना पर जो है वो औरतों की जचीव दौरान डेथ होती है। अब ज़रा कुछ करेक्टिव मेजर्स या सजेशंस जो आप क्या समझते हैं जिससे ये ऐसी डेथ जो है अवॉइड हो सकती हैं, वो अगर आप हमें शेयर कर लें तो बहुत, मैं समझता हूँ कि नाज़रीन के लिए बेहतर होगा। जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ का वहाँ पे होना। जैसे हमने कहा BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इस वक्त हमारे पास 4,996 पूरे पाकिस्तान में BHUs हैं, जो कि एक BHU 10,000 की पॉपुलेशन को देखता है, ठीक है। तो ये भी बहुत कम है, ठीक है। यानी हमारे पास BHUs ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज तो LHVs जो हैं वो BHUs पे कर रही हैं, और अगर ये फैसिलिटी करीबी जगहों पे मौजूद है, जो लोगों के नेबरहुड्स के करीब मौजूद है, तो डेफिनेटली वो ये सर्विस इस्तेमाल करेंगे। तो फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, हमारे जो GDP का ज़्यादा हिस्सा, ये अभी तो 1% है, उसको 2 से 3-4% पे लेके जाया जाए कि हेल्थ केयर पे खर्च हो उस पर। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ सोशियो कल्चरल रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमारी माओं की शरह अमवात ज़्यादा है, उसको भी फोकस करने की ज़रूरत है। कैसे हम जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो अब बहुत सारी आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है, या ख्वातीन की से नहीं है उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसीजन में, तो ये सारे ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम किन लोगों को इस्तेमाल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हेल्थ के शोबे मौजूद हैं, और वो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करती हैं, और हर यूनिवर्सिटी अपने कैचमेंट एरिया में एक यूनिवर्सिटी उस कम्युनिटी को इंगेज कर लेती है अपनी एक्टिविटीज़ में, और स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है कि वो काउंसलिंग करें लोगों की, स्पेशली फैमिलीज़ की, माओं की, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, चाहे ये वैक्सीनेशन है या ब्रेस्ट फीडिंग है या एंटीनेटल केयर या पोस्टनेटल केयर की इम्पोर्टेंस के बारे में है या फैमिली प्लानिंग की। ये अगर हमारे जो ट्रेन्ड स्टूडेंट्स हैं वो फील्ड में जाके कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके कम्युनिटी को सही तरीके से वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, सही नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे ख्याल में लोगों की इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़र्क आ जाएगा, और लोगों को पता होगा कि राइट इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि इस वक्त आप देखते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि उनके मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी कम्युनिटी पार्टनरशिप के तहत इस तरह के स्ट्रेटजीज लें जिसमें हर यूनिवर्सिटी अपने कैचमेंट एरिया में काम करें, तो इसका मतलब है हम यूनिवर्सिटीज़ कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बिकॉज़ के अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मोबाइल फ़ोन के रिंगटोन पे आपने देखा है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं माओं को। तो बहुत दफ़ा होता है बच्चे की टाइम आ जाता है वैक्सीनेशन का, और अगर माँ को मैसेज चला जाए कि आज आपके बच्चे के वैक्सीनेशन का डे है, तो समटाइम उसको याद नहीं रहता, या वो कार्ड पर लिख देते हैं, उसको नहीं पता, लेकिन इस तरह उसको पता चल जाएगा आज उसके वैक्सीनेशन का डे है और उसने जाके उसको फैसिलिटी का लगवाना है। तो इसी के साथ टेली मेडिसिन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के हमारी बहुत सारी ख्वातीन डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोफेशन में बिकॉज ऑफ जो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं उसकी वजह से वो जॉब छोड़ जाती हैं, लेकिन अगर टेलीमेडिसिन हमारे यहाँ राइज हो जाए तो इसमें ये होगा वो सारी डॉक्टर्स घर बैठ के टेलीमेडिसिन में आके लोगों को अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे मैंने देखा फैमिली प्लानिंग में लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से वो फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे यहाँ नॉलेज तो 99% है बट प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज के लोगों की जो मिसकंसेप्शंस हैं उनकी नॉलेज है उसको बेहतर नहीं किया जाता, उनके क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया जाता, तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो अगर हम टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की वो इस तरह की
मिसकंसेप्शंस को ख़त्म कर सकें, तो मेरे ख्याल में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ साथ हम दूसरे जो एरियाज हैं माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से, उस सब में बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना, एंड प्रेयर टॉकिंग टू यू। और इंशाल्लाह ताला, चूँकि अभी आज बहुत से एरियाज अभी मैटरनल डेथ्स के हमारे रह गए हैं, लेकिन टाइम की कमी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर रुबीना, और हमने कोशिश तो की है कि महदूद वक्त में बहुत सी बातें जो है वो सेंसिटाइज़ किया जाए ऐसी माओं को जो कि प्रेगनेंसी में हैं इस वक्त, या प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जिसमें उनकी शादी होने वाली है। तो दिस प्रोग्राम कैन बी वेरी यूजफुल फॉर देम। और जो बात डॉक्टर रुबीना ने बड़ी अहम बात की है कि एक तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसे कहते हैं जीडीपी की, वो 1% बहुत महदूद है। इसको कम से कम जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में 5% होती है, चलो एक नहीं 2-3% हमारी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने ये भी कही है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ा एक अच्छा पैगाम है ये कि उनके जो एरियाज़ हैं आसपास, वहाँ वो उन इलाकों में, देहातों में, गांव में जाएं और अवेयरनेस कैंपेन दें, लोगों को बताएं सारा चीज़ें जो होती हैं कि ये किस तरह प्रेगनेंसी होती है, काउंसलिंग करें, उनकी एडवाइस करें। तो मेरे ख्याल ये भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम ये बात कहने से कि जी पाकिस्तान जो है जो औरतों के मरने की शरह बहुत ज़्यादा है, ये मसला सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हमें अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत है। एंड शी हैज़ वेरी राइटली हाईलाइटेड द वेरी बेसिक इश्यूज़ और बहुत करेक्टिव मेजर्स उन्होंने बताए हैं। अगर इनको मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल किया जाए, इससे फ़ायदा उठाया जाए, तो बहुत सी ख्वातीन जो हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।